सो गाइस मैं आ चुका हूँ नंबर टू के पास। यही मेरे पापा इसी के अंदर में है। मेरा पूरा हाथ हिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊँ मैं, कुछ समझ मेरा पूरा हाथ हिल रहा है, मैं कैसे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिहार टू स्काई, और आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल बिहार टू स्काई में। सो गाइस आज हो रहा है दिन, कौन सा दिन है भाई आज? आज है थर्सडे, पता करो भाई। तो गाइस आज थर्सडे है और आज हम लोग निकल रहे हैं बिहार के लिए, मतलब मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? पापा का एक एक्सीडेंट हो गया तो उसके कारण मतलब मुझे जाना पड़ रहा है। फिलहाल अभी मैं अपने फ्लैट पे हूँ, बैंगलोर वाले फ्लैट पे। तो पंकज भाई यहाँ पे हैं, अभी मैंने उठा दिया है, तो उठाना नहीं चाहिए था, इसको सोने देना चाहिए क्योंकि अभी ऑफिस भी निकलना है इसको। मैंने ऑफिस से मतलब छुट्टी मिला है, मेरे ऑफिस वाले जितने लोग हैं उन्होंने मुझे छुट्टी दिया है। थैंक यू सो मच सर मैम, जो भी हैं जो भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, अपना लगेज यहाँ रेडी है और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस लगेज यहाँ रेडी है और आपको बाहर भी दिखाता हूँ। बाहर देखिए अपना कैब भी आ गया है, ठीक है कैब आ गया। तो चलिए अब डायरेक्ट नीचे चलते हैं और मिलते हैं आपसे बाहर में। तो गाइस अपना यहाँ पे देखिए जो अपना R15 है ना, उसको मैंने पूरा कवर लगा दिया है ताकि हो सकता है मुझे टाइम लग जाएगा आने में। तो अपना जो R15 है डाकू मस्त कवर के अंदर है, अच्छे से रहेगा आराम से, कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा इसको। बाय डाकू मिस यू यार, मिलते हैं गाइस एक ब्रेक के बाद। फिलहाल घर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पापा का एक लेग फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। तो मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, इसके कारण मुझे जाना पड़ रहा है। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और फ्लाइट अपना मिस ना हो जाए, इसलिए टाइम पे पहुँचना है। अपना कैब यहाँ रेडी है। बाय पंकज। गाइस देखिए पंकज ऊपर से देख रहा है, बाय पंकज। चलो ठीक है भाई, ख्याल रखियो है ना भाई। कैब यहाँ पे अपना है, चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट। गाइस फाइनली आ तो गए हैं एयरपोर्ट, लेकिन भाई भयंकर ठंडा है यार इधर। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना चिल्ड होगा इधर, बाप रे बाप। चलिए अब चलते हैं अंदर में और फिलहाल देखिए क्या मस्त, बहुत भयंकर ठंड है यार बाहर, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। उफ भाई, और टी शर्ट पहन के आ गया मैं, मेरे को लगा कि नॉर्मल होगा। तो चलिए गाइस अब जल्दी चलते हैं, चेक इन कराते हैं और जल्दी निकलते हैं घर के लिए। घर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे खुशी के मौके पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ठीक है। पापा का मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, एक पैर थोड़ा सा डैमेज हो गया गाइस, टूट गया है। तो थैंक गॉड कि पापा सेफ हैं बाय द वे। सो हर चीज़ में पॉजिटिवनेस ढूंढना चाहिए आदमी को। तो चलिए गाइस हम निकलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं बिहार। सो गाइस बोर्डिंग पास सब कुछ कंप्लीट हो गया, अपना लगेज भी दे दिए हैं इसमें। अब चलते हैं गेट नंबर, क्या दिया हम लोग को गेट नंबर क्या है भाई, 19 है, ठीक है गेट नंबर 19। तो चलिए डायरेक्ट गेट नंबर 19 चलते हैं और वहाँ बात करते हैं आपसे कुछ। सो गाइस आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से जाएंगे घर बेगूसराय। चलिए पहले कुछ खाना वाना खाते हैं, देख लीजिए रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। बिहार आने के बाद मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है एकदम पूरा। चलिए अब यहाँ चलते हैं, कुछ है एग्जीक्यूटिव लाउंज है, यही दिखा मेरे को। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, खाते हैं कुछ, उसके यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हम लोग का ट्रेन अभी 2 घंटा है टाइम हम लोग के पास। तो यहाँ से चलते हैं, पहले खाते हैं कुछ। सो गाइस अभी आ चुके हैं अंदर में और खाना वाने का कुछ मिला तो नहीं, तो एक ब्रेकफास्ट ही बोले कि ब्रेकफास्ट ही यहाँ पे। तो मैं सोचा था कि कुछ मतलब आज तो थर्सडे है और थर्सडे को हम लोग कुछ खाते वाते हैं नहीं, तो मैंने सोचा कि क्या खाएं, पनीर बटर मसाला और कुछ बटर नान कुछ ले लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब अवेलेबल ही नहीं था यहाँ पे। और क्योंकि वैसे मिलता है यहाँ पे लेकिन अवेलेबल अभी नहीं था, ब्रेकफास्ट बना हुआ था। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है गाइस मसाला डोसा और एक पानी का बॉटल, तो वेट कर रहे हैं बस अपने नंबर का, जैसे नंबर आता है फिर दिखाते हैं आपको क्या है और आपसे कुछ बात भी करते हैं क्या हुआ है पापा को, मतलब क्यों आ गया मैं अचानक से, मैं बताता हूँ आपको।
अगर चैनल में नए हैं तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बहुत मेहनत चल रहा है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। अभी वैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है मैंने, एक साल लग गया भाई मुझे। तो गाइज़ ये मंगा लिए हम लोग डोसा सांभर और चटनी, जो साउथ इंडिया में मिलता है एकदम, उससे एकदम आसमान और ज़मीन का अंतर है, पर ये वाला टेस्टी भी होगा ज़्यादा, जो बात है क्योंकि मेरे घर का है ना। यहाँ देखिए सांभर भी अलग तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे एक पानी का बोतल भी ले लीजिए। एम्बियंस देख सकते हैं कैसा है, बढ़िया है गाइस। तो चलिए इसको खाते हैं, उसको निकलते हैं यहाँ से, फिर पापा के पास भी जाना है। तो गाइस चलिए खाना वाना हो गया सब, अब निकलते हैं भाई बाहर, अब टाइम भी हो जाएगा, अब चलते हैं डायरेक्ट ट्रेन के पास। खाना वाना सब खा लिए हैं, अब डायरेक्ट चलते हैं, रेलवे स्टेशन पे तो है ही, अब ट्रेन के पास चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में जाके, उसका निकलते हैं भाई बेगूसराय, बहुत टाइम हो गया, चलिए निकलते हैं। लेट्स गो गाइस। सो गाइस आ चुके हैं, राजरानी एक्सप्रेस यही है अपना जो कि बेगूसराय जाएगा। इसका टिकट सुबह में ही मैं ले लिया अचानक से, क्योंकि मेरे को पता था कि कोई आने वाले नहीं है, किनको ही बुलाएंगे क्योंकि अभी हालत ख़राब है भाई, सब लोग हॉस्पिटल का चक्कर में, ऊपर से मैं क्या ही करूँ यार, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं जा सकता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं अपने C1 बॉगी के बाहर हूँ। चलिए वैसे अंदर साफ़ सफाई हो रही है, जैसे साफ़ सफाई कंप्लीट होता है उसके बाद हम अंदर घुस जाएंगे। सो गाइज आफ्टर सो लॉन्ग बैठ चुके हैं ट्रेन में, बैक टू बिहार, बैक टू बेस, और यहाँ से अब निकल रहे हैं बेगूसराय डायरेक्ट, और देखते हैं यहाँ से क्या, देखिए यहाँ पे क्या है अपना प्यारा पटना जंक्शन। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, ट्रेन खुलने वाली है 5 मिनट के अंदर में, उसके मिलते हैं आपसे बेगूसराय में पापा के पास डायरेक्ट।